हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सूप, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और सर्दियों में हम लोग ज़्यादातर सूप पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमको लगता है सूप बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हम उसे ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, एमी और डिलीशियस सी टमाटो सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो टमाटो सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं उनको लिया। आप चाहें अगर टमाटर ले तो उनको देखिएगा, वो रेड रेड हो तो उनका सूप अच्छा बनता है। और एक मैंने छोटा सा यहाँ पे चुकंदर लिया है, आधा प्याज, 4 से 5 कली लहसुन की और 1-2 गाजर मैंने यहाँ पे ली हैं। अब इनको मैंने अच्छे से काट लिया था सभी को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को काट लिया और मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है। तो अब इसमें सारी वेजिटेबल्स को मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्योंकि हम इसे पहले कुकर में बॉईल करेंगे। कुकर में बॉईल करने से क्या होता है, हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी से गल जाती हैं और ये जल्दी बन भी जाता है, क्योंकि 2 से 3, 3 से 4 सीटी लगा और ये हमारा सूप बनकर तैयार हो जाता है। तो हम सारी सब्जियाँ इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहें किसी पैन में भी इसको बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी सब्जियों को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पे मैं एक टुकड़ा अदरक का है उसको इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आधा कप तक पानी इसमें ऐड करेंगे, हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सब्जियाँ भी पानी छोड़ती हैं। तो आधा चम्मच तक हमने इसको नमक है उसको ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगा के हम 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे गैस पे रख दिया है और इसको 3 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो मीडियम रखनी है, बहुत हाई गैस पे इसको नहीं करेंगे, जिससे अदरवाइज जिससे हमारी सीटी तो जल्दी आ जाएंगी लेकिन हमारी सब्जियाँ उतनी अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगी। टमाटर को सॉफ्ट होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन गाजर और थोड़ा सा चुकंदर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उनको हम अच्छे से सॉफ्ट करके पकाएंगे, तो जब हम उनका पेस्ट बनाएंगे तो बहुत स्मूथ सा पेट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे 3 सीटी लग चुकी है, हमने गैस से बंद कर दी है, कुकर को ठंडा होने के रख दिया। देखिए सारी भाप खत्म हो चुकी है, तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जियाँ कितने अच्छे से गल चुकी है, कलर कितना अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें चुकंदर डाल दिया था। चुकंदर आप डालेंगे तो कलर तो अच्छा आएगा ही, साथ में चुकंदर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका छिलका हल्का की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको पीसेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम जब इसका ठंडा हो जाएगा तभी इसको पीसेंगे, अदरवाइज़ हमारी मिक्सी जार में जब इसको हम डाल के पीसेंगे तो एकदम से भाप का प्रेशर होता है उससे खुलने का डर रहता है। तो जब भी आप इसको पीसें तो पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लें। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है, तो मैं क्या करूँगी इसको मिक्सिंग जार में डालकर थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे इसे रख दिया था। तो यहाँ पे हम सारा जो सूप है उसको इसमें डाल दे रही हूँ और अब ढक्कन लगा के इसे बहुत स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमारा टमाटो सूप जो बनाया था उसको पीस लिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक छलनी ले लेते हैं और उसको एक बाउल पे रख के इसको इसमें ट्रांसफ़र करके इस तरीके से चम्मच से लगातार चलाते हुए इसे हम छान लेते हैं। इससे क्या होता है, जो इसके छिलके हैं, बीज हैं, वो सब ऊपर रह जाते हैं और हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे छान लेंगे। तो देखिए हमारा छन चुका है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला हुआ है इसको हम हटा देंगे, जो बच गया। ये देखिए हमें कितना स्मूथ सा पेस्ट मिल चुका है। ये चुकंदर डालने से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया, ये बहुत रेड और बहुत अच्छा सा कलर आया है। तो चलो अब हम सूप को बना लेते हैं। तो मैंने गैस पे एक पैन रख दिया और इसमें मैंने 2 चम्मच तक बटर है उसको ऐड कर दिया है। तो हम इसको बटर में बनाएंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो देसी घी या वेजिटेबल ऑयल है उसमें किसी में भी आप बना सकते हैं। अब बटर को मेल्ट होने के बाद इसमें मैं कुछ खड़े मसाले उनको ऐड करूंगी, तो 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग है इनको इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इनको थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं, जिससे क्या होता है इसका फ्लेवर है हमारे बटर में अच्छे से आ जाएगा।
और वो उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे जीरा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत लोग जीरा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। और अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे लो मीडियम रखी है और अब यहाँ पे मैं एक गिलास तक पानी है उसको इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारे पास ज़्यादा जितनी क्वांटिटी आप लोगों के यहाँ हो उसमें, अगर आप लोग जैसे खाने वाले हों उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, पतला और गाढ़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब इसको लगातार चलाते हुए हम इसको इस तरीके से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको बॉईल करते हैं ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा झाग आ जाता है, तो हम उसको हटा देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन झाग हटाने से थोड़ा सा ये स्मूथ और अच्छा देखने में लगता है। तो मैं यहाँ पे सारे झाग को हल्के से हटा दे रही हूँ। अब इसमें हम बॉयल आने के 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरीके से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे तो जो इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे उनको हम निकाल देंगे क्योंकि उनका फ्लेवर अच्छे से हमारे सूप में आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच तक नमक, 1 छोटे चम्मच तक चीनी और 1 छोटा चम्मच तक काली मिर्च का जो हमने प्रेस करके ली है उसको इसमें ऐड कर देते। मैं ताज़ा काली मिर्च का जो पाउडर है उसको बना कर रखती हूँ। आप भी इस ताज़ा ही अगर सूप में यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है, क्योंकि जो हम मार्केट से पाउडर लेके आते हैं उसका फ्लेवर इतना अच्छा सूप में नहीं आता है। ये देखिए हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको अच्छे से आराम से खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे थोड़े से इसमें कॉर्नफ्लोर है उसकी स्लरी मिलाऊंगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है ये। तो हमने 1 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर लेके इसको अच्छे से घोल लिया था, तो हम जब इसमें कॉर्नफ्लोर डालें तो एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर उसे लगातार चलाते रहें। कॉर्नफ्लोर डालने से ना इसका जो टेस्ट है बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसा हम सूप पीते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आता है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टमाटो सूप बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, कितना अच्छा से लग रहा है। तो इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो तैयार हो चुका है हमारा गर्मा गर्म सा रेड सा बहुत ही यम्मी सा टमाटो सूप। आप जब चाहें इसे घर में बनाकर पी सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।